एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा, क्यू वैल्यू क्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लें, उसमें डेरिवेशन है क्वालिटी फैक्टर की, गिवन है, पूरी गिवन है, मैं वहीं से लिख के लाया हूं। पर आज तक जितने पेपर हुए उसमें आई नहीं, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं अगर आ जाए तो। मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूं आज तक नहीं आई, क्योंकि इसमें मेडिकल के स्टूडेंट भी होते हैं और उसमें क्वाड्रेटिक काफी यूज होती है, पर एनसीईआरटी वालों ने मेंशन जरूर करके दी हुई है, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। और है कुछ नहीं, मतलब आज तक मैंने भी नहीं करवाई, सच बताऊं पहली बारी करवा रहा हूं। वो इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब मैं छुड़वाता हूं तो एंड में ना, जब बुक पढ़ते हैं लोग फरवरी में, तो मार्क लेके आते हैं, सर ये रह गया, तो 25 लोग भी आ गए तो 25 बार समझानी पड़ती है, तो अब नहीं आएंगे, कभी क्या है, अभी अभी देख ही लेंगे क्या है उसमें। क्वालिटी फैक्टर पे, रेजोनेंस पे जेड आर के इक्वल है, ओमेगा वन ओमेगा टू पे जेड रूट टू आर के इक्वल है, वो कैसे, ये देखो, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस यहां पर क्या है, रूट टू आर, ठीक। तो नेट रेजिस्टेंस को सीरीज में, सीरीज एलसीआर में जेड बोलते हैं, तो ओमेगा वन ओमेगा टू पे जेड क्या बोला जाएगा, रूट टू आर। अब जेड सीरीज रेजोनेंस में ये होता है, और ओमेगा वन ओमेगा टू पे ये वैल्यू किसके इक्वल है, रूट टू आर। मैं निकालना चाहता हूं ओमेगा वन ओमेगा टू किसके इक्वल है, तो ये वैल्यू रूट टू आर पुट करके स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करके ये टर्म आई, अंडर रूट लेके ये प्लस माइनस आ गया, एक बार माइनस लिया एक बार प्लस लिया, दो इक्वेशंस आ गई। जब माइनस लिया तो ओमेगा की जगह ओमेगा वन, जब प्लस लिया ओमेगा की जगह ओमेगा टू, इक्वेशन नंबर वन एंड टू। इन इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, ऐड किया तो मेरे पास सॉल्व करके ये टर्म आ गई, माइनस किया तो सॉल्व करके मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक। मतलब ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन सॉल्व करके क्या आ गया, आर बाई एल। अब वापस आ जाओ, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा आर बाई टू टाइम डेल्टा ओमेगा। ये कैलकुलेशन मुझे लगता नहीं कि आएगी, ज्यादा बड़ी है एनसीईआरटी के हिसाब से, बट इन एनी केस डेल्टा ओमेगा क्या निकाला हमने, आर बाई एल। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, क्वालिटी फैक्टर का। अब क्वालिटी फैक्टर की ये वैल्यू आ गई, एक काम करते हैं, इस क्वालिटी फैक्टर को लिखा आई आर एम एस से मल्टीप्लाई आई आर एम एस से डिवाइड। एक तो आप इसको बॉक्स में डालो प्लीज, इसे डेल्टा ओमेगा आर बाई एल है, टू डेल्टा ओमेगा थी ना, टू डेल्टा ओमेगा थी, हाँ तो टू डेल्टा ओमेगा होता है ये, पिछली से देखो, पिछला पेज देखो, टू भी आएगा, हाँ टू भी आएगा, ये कह रहे हो, समझा नहीं, ओ सॉरी सॉरी टू नहीं आएगा, राइट टू हटाओ, कह रहे हैं ओमेगा, देखो टू इंटू ये ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन क्या होता है, टू डेल्टा ओमेगा होता है, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन टू डेल्टा ओमेगा, या लिख लो चाहे दिस इज इक्वल टू टू डेल्टा ओमेगा, दिस इज इक्वल टू टू डेल्टा ओमेगा, सही कह रहे हो, तो टू डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आर बाई एल आएगी, राइट, ये हटा दो, सही है, तो ये टर्म आ गई। अब यहां से आपने पढ़ना है एक्चुअल में, वो तो चलो डेरिवेशन करो ना करो ऑप्शनल है, जिसको डर लगता है वो कर ले, जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो कर ले, बाकी मेरी तरफ से मैंने करवा दी, मेरे को नहीं कहना कि सर पेपर में आ गई थी और आपने करवाई नहीं थी, पर मैंने प्रोबेबिलिटी बता दी आपको कि ये प्रोबेबिलिटी है, पर है कुछ नहीं इसमें, इजी है। क्यू वैल्यू को लिखा, आई से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, आई इंटू ये एल इंटू ओमेगा क्या होता है, एक्सएल, करंट इंटू एक्सएल क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस एल, करंट इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस आर। तो क्यू वैल्यू की एक और डेफिनेशन आ गई, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस एल अपॉन वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस आर। इसको टिक, इसको बॉक्स में डाल लो, एक तो इसको बॉक्स में डाला, एक इसको बॉक्स में डाला, ओमेगा आर को यहां लिखा, सॉरी ओमेगा आर की वैल्यू क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वन बाय रूट एलसी, इस ओमेगा आर को स्क्वायर किया तो ये टर्म आ गई, ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर लिख के, ओमेगा आर एक तरफ एल एक तरफ, ओमेगा आर देखो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एल को इधर एक ओमेगा आर को इधर,
तो क्या आ गया एल इन टू ओमेगा आर, इसको उठा के इस डेफिनेशन में पुट किया तो 1 बाय सी ओमेगा आर, इसको करंट से मल्टीप्लाई करंट से डिवाइड किया क्योंकि 1 बाय सी ओमेगा क्या होता है एक्स सी बाय आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होती है वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस सी, और ये क्या होता है वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस आर, इसको बॉक्स में डाल लो, ये नहीं कोई पूछेगा आपसे, बस ये और ये बस दो चीजें ठीक। क्यू वैल्यू हमने क्या निकाली एल ओमेगा आर बाय आर, ओमेगा आर क्या होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, एल अंडर रूट के अंदर जाएगा एल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया 1 बाय आर अंडर रूट ऑफ एल सी। ये क्यू वैल्यू का फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए, और अगर आप अपनी बुकलेट में जाएं